नमस्कार, नवजीवन बुलेटिन में आपका स्वागत है। दिल्ली में आज यूरोपीय संसद के सदस्यों ने पीएम मोदी से मुलाकात की। दिल्ली में यूरोपीय संसद के सदस्यों ने आज प्रधानमंत्री मोदी से सात लोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा। इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय संसद के सदस्यों से कहा, आतंकवादियों का समर्थन या प्रायोजित करने वाले या ऐसी गतिविधियों और संगठनों का समर्थन करने वाले देश के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस नीति होनी चाहिए। चेन्नई में चौथे दिन डॉक्टरों की अनिश्चितकाल हड़ताल जारी है। चेन्नई में शुक्रवार से शुरू हुई फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल आज चौथे दिन भी जारी है। वेतन बढ़ाने और अधिक डॉक्टरों की नियुक्ति की मांग को लेकर हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती, वे अपनी हड़ताल खत्म नहीं करेंगे और न ही अस्पताल में किसी का इलाज करेंगे। और उन्नाव रेप केस में मुख्य आरोपी बीजेपी सांसद कुलदीप सेंगर ने अपने भाई का अंतिम संस्कार किया। उन्नाव रेप केस में मुख्य आरोपी बीजेपी के निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर ने अपने भाई का अंतिम संस्कार किया। अपने भाई के संस्कार में शामिल होने के लिए जेल प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा देते हुए कुलदीप को कुछ देर के लिए रिहा किया। उन्नाव के परियार घाट पर सेंगर के भाई के अंतिम संस्कार के दौरान उन्नाव से बीजेपी एमपी साक्षी महाराज भी शामिल हुए।